आईटीआई रुड़की में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध परिवर्तनकारी कार्यक्रम G20 इम्पैक्ट समिट कार्यक्रम का आयोजन दीक्षांत समारोह हॉल में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कुलगीत के साथ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। यह बहुत गर्व की बात है। नगरपालिका परिषद द्वारा मसूरी में किए जा रहे विकास कार्यों की शिरकत के बाद जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित कर उप जिलाधिकारी को जांच सौंपी गई, जिसके बाद उप जिलाधिकारी द्वारा नगरपालिका के 87 टेंडरों की जांच की जा रही है। शासन में शिकायत दर्ज की गई थी कि नगरपालिका द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में अनियमितता बरती जा रही है, जिस पर उप जिलाधिकारी द्वारा आज परीक्षण किया गया। इसमें कंप्लेंट हुई थी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में कमेटी स्टैब्लिश हुई थी, जिसमें कि कुछ कैसे कामों का टेंडर होना था नगर पालिका के द्वारा, तो उसका निरीक्षण के निर्देश थे, उसी क्रम में आज भी कार्रवाई की जा रही है। 87 टोटल टेंडर होने थे और जिसके लिए विज्ञप्ति निकली थी, तो उन्हीं सारे कामों का जाँच किया जा रहा है। सी वी जाँच के लिए मैं पहले भी कहते आया हूँ कि हम स्वतंत्र हैं, आप किसी भी तरह के अगर कुछ ऐसा आदेश आया है तो आप उसकी जांच करिए। बहुत से अति आवश्यक काम ऐसे होते हैं जो हमें अर्जेंटली में कराना होता है, कहीं दीवार गिर जाती है, कहीं पुश्ता गिर जाता है या कहीं सड़क में गड्ढे होते हैं और हमें तत्काल रूप से उन्हें भरवाना पड़ता है, वो कार्य कराना पड़ता है। तो इसके अतिरिक्त कोई भी काम ऐसा नहीं है जो एडवांस किया हो या किसी में अनियमितता है। अगर उप जिलाधिकारी को किसी तरह का कुछ लग रहा है तो हम उसका जवाब देंगे और वो जाँच करने के लिए स्वतंत्र हैं और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और पालिका द्वारा जो विकास कार्य पालिका द्वारा किए जा रहे हैं उससे बुखलाहट में, उससे घबरा कर कुछ लोगों द्वारा झूठी शिकायतें की जा रही हैं और हम पूरी तरह से अस्वस्थ हैं। जो कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। और बुधवार को हल्द्वानी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा हरियाणा के मेवात में शिव पूजन के लिए गए तीर्थ यात्रियों के साथ पथराव आगजनी की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काला ढूंगी जेल रोड चौराहे पर हनुमान चालीसा का जाप भी किया। उन्होंने मेवात घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा के नूह में एक विश्व हिंदू परिषद का ब्रज यात्रा थी, जिसमें अपने प्रतिवर्ष कई वर्षों से अच्छी संख्या में 20 से 25,000 लोग आकर वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम रहता है, और उस नाते इस वर्ष भी 31 तारीख को वहां पर जलाभिषेक का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अपने सुरेंद्र जैन भी उपस्थित थे। तो उस कार्यक्रम को जब जलाभिषेक का कार्यक्रम था, लगभग 1:30 बजे का समय था, तो उसी समय ठीक जिहादियों ने प्लानिंग करके उस मंदिर के अंदर गोलियों से और मोटार दागकर और पत्थरबाजी करकर हमारे इस शोभा यात्रा को, जो अपनी यात्रा वहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम था, उसको खंडित करने का और अपने हिंदुओं में भय माहौल बनाने का कार्यक्रम किया, और जिसमें उसमें 2 होमगार्ड सहित अपने 5 लोग उसमें शहीद हुए हैं। तो उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, पूरे देश के अंदर में 2 अगस्त को आंदोलन बुलाया है, और इस इस्लामिक जिहाद को जो हमारे धर्म के प्रति हमेशा विरुद्ध कार्य करते रहा है, तो उस नाते इनको चुनौती देने का काम भी किया है। तो इस अपने इस जिले हल्द्वानी में आज कार्यक्रम रहा है, और इस माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इस हल्द्वानी के अंदर जितना भी हिंदू समाज है उसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से निर्भय रहने की ज़रूरत है। अगर समाज में कभी भी हिंदू समाज के ऊपर इस तरह से कभी आघात हुआ या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कोई हमला हुआ, तो उसका हम ईंट से उसका पत्थर का पत्थर जवाब दें। मौसम विभाग के द्वारा जारी येलो अलर्ट का अनुमान एक बार फिर सटीक साबित हुआ है और पहाड़ों की रानी मसूरी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जहां नाले काले उफान पर हैं, वहीं सड़कों पर भी बारिश का पानी आने से आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का सबसे ज़्यादा प्रभाव स्कूली छात्र छात्राओं पर पड़ा है। स्कूलों की छुट्टी के समय बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है और जमकर बारिश हो रही है। इस कारण स्कूली बच्चे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही छोटे बच्चों को लेने आए अभिभावक भी रेनकोट और छतरियां लेकर स्कूल परिसर में ही खड़े हैं और बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं।
दून विश्वविद्यालय में ओरिएंटल इंडक्शन 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ के इस कार्यक्रम में छात्रों को उनके बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया गया। आज बड़ा शुभ दिन है, हमारे जो भविष्य के कर्णधार हैं, नए विद्यार्थी हैं, उनके आज विश्वविद्यालय की पढ़ाई प्रारंभ हुई है। और हमारी नई शिक्षा नीति जिसमें एक से लेकर कक्षा 12 तक प्रवेशोत्सव और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षा प्रारंभ दिवस ये सब जगह मनाए जा रहे हैं। आज दून विश्वविद्यालय में भी आज इसकी शुरुआत हुई है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी कर्णधारों, सभी आने वाले भविष्य के हमारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाने वाले इन विद्यार्थियों को सबको शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने जीवन में उच्च शिखरों को छुएंगे, नए आयामों को स्थापित करेंगे और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उस संस्कृति को भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। नगर निगम प्रशासन ने ऐसे 9 बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने गलत सेल्फ असेसमेंट किया है। नगर आयुक्त देहरादून मनोज गोयल ने बताया कि लगातार टैक्स जमा करने के लिए लोग अवेयर हो रहे हैं। समय पर टैक्स जमा करने पर छूट का फायदा भी दिया जा रहा है। शुरुआत में सभी टैक्स पेयर्स से सेल्फ असेसमेंट कर टैक्स जमा करने को कहा जाता है। उन्होंने बताया कि कई बार लोग गलत असेसमेंट कर टैक्स जमा करते हैं, ऐसे में सभी सेल्फ असेसमेंट का सत्यापन किया जा रहा है। समय समय पर शिकायतें भी मिलती हैं, हम लोग खुद भी इंस्पेक्शन करते हैं तो चीज़ निकल के आती है कि टैक्स बचाने के लिए कतिपय लोगों के द्वारा बहुत बड़ी एक अंतर कर दिया जाता है अपना एरिया दिखाने में, क्षेत्रफल दिखाने में। और एक्ट में ये भी प्रावधान है कि यदि इस प्रकार से क्षेत्रफल में अंतर पाया जाता है सेल्फ असेसमेंट में लोगों के दिए हुए क्षेत्रफल से, तो उसमें जो शेष जो बचता है उस पर 4 गुने तक का पेनल्टी का प्रावधान है। तो इसी क्रम में हमने कुछ बिल्डिंग्स को चेक करवाया है और उसमें सभी में जो है इस तरीके से डिफरेंस पाया गया है जो उन्होंने अपने सेल्फ असेसमेंट में भरा था और जो मौके पे जितना कंस्ट्रक्शन उपलब्ध है, तो उसी क्रम में उनको नोटिसेस दिए गए हैं और 4 गुना पेनल्टी के संबंध में नोटिस दिए गए हैं।